भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको नवरात्रि के छठे दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। माँ कात्यायनी की कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। माँ कात्यायनी जो कि विवाह कार्य में यदि बाधाएं उत्पन्न हो रही है तो शीघ्र विवाह का योग बनाती है। इसके अलावा घर में सुख शांति समृद्धि और वैभव प्रदान करती है। माँ कात्यायनी की आराधना पूजा नवरात्रि के जो है छठे दिन की जाती है। छठे दिन की अधिष्ठात्री देवी माँ कात्यायनी होती है। चंद्रहासो ज्वलकरा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम देवी दद्या देवी दानवघातिनी। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी देवी है। ये महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर के उनको उनकी इच्छा के अनुसार वरदान देकर के उनके यहाँ पुत्री के उत्पन्न हुई तथा उनको जो है सभी प्रकार का उन्होंने सिद्धि प्रदान की थी। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी, इसी कारण इन देवी का नाम कात्यायनी हुआ। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। दुर्गा पूजा के छठे दिन माँ कात्यायनी की उपासना तथा पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना से इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव में माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। इनका साधक लोक में रहता हुआ अलौकिक तेज से युक्त हो जाता है, यानी उसके अंदर एक अलौकिक प्रतिभा उसे प्राप्त हो जाती है। यदि किसी विवाह योग्य वर का या कन्या का विवाह यदि नहीं हो रहा है तो उनको माँ कात्यायनी का पूजन अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा जो विवाहित दंपत्ति होते हैं उनको भी जो है विवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए, पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने के लिए और घर में सभी प्रकार की सुख शांति समृद्धि के लिए माँ कात्यायनी का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। भगवती की पूजन के अनुसार ही इनका पूजन करने के बाद इनको शहद का भोग लगाया जाता है। शहद का भोग लगाने से माँ कात्यायनी अत्यधिक प्रसन्न होती है तथा भक्तों को मन चाहा वरदान प्रदान कर देती है। तथा इनका जो बीज मंत्र है उसका भी जाप करना चाहिए। जो मनुष्य माँ कात्यायनी के बीज मंत्र का जाप करता है उसको अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है तथा उसकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। इनका जो बीज मंत्र है वह इस प्रकार है। ओम क्लीम श्रीम त्रिनेत्राय नमः। ओम क्लीम श्रीम त्रिनेत्राय नमः। ओम क्लीम श्रीम त्रिनेत्राय नमः। इस प्रकार इस महामंत्र का आपको अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने समय के अनुसार अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। इसके बाद श्री दुर्गा सप्तशती के नवे अध्याय का पाठ यहाँ से प्रारंभ होता है। नवे अध्याय की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ऋषि बोले कि हे राजन, रक्त बीज के मर जाने पर एवं युद्ध में अन्य असुरों के भी मारे जाने पर शुंभ निशुंभ दैत्यों का क्रोध बढ़ गया। अपनी भारी सेना का नाश होता देख करके निशुंभ के क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर दैत्यों की प्रधान सेना के साथ लेकर के निशुंभ युद्ध में दौड़ आया। उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े राक्षस थे। वे क्रोध के मारे होंठ काट रहे थे, कटकटा रहे थे। सभी देवी को मार डालने के लिए आ गए कुपित होकर के शुंभ भी अपनी सेना के साथ में मात्र गणों से लड़ करके चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया। तब देवी जी के साथ शुंभ और निशुंभ का बड़ा भारी युद्ध होने लगा। दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूह से चंडिका ने उनके बाण काट दिए। फिर शस्त्र समूह से उन दैत्यों के अंगों पर प्रहार किया। निशुंभ ने तीखी तलवार तथा चमचमाती ढाल उठा ली। देवी के पराक्रमी वाहन सिंह के सिर पर प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होता देख करके देवी ने क्षुरप्र नामक बाण द्वारा निशुंभ की बड़ी तलवार तथा आठ चंद्रों वाली ढाल तलवार तथा ढाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे सामने आता देख करके चक्र द्वारा उसके दो टुकड़े कर डाले। तब तो अत्यंत कुपित होकर के निशुंभ दानव ने शूल उठा लिया
और उसे फेंक दिया। देवी जी ने मुक्के के प्रहार से उसे भी चूर चूर कर दिया। गदा उठा करके फिर चंडिका की और उसने फेंकी। देवी ने उसके भी त्रिशूल द्वारा काट दिया और वह भस्म हो गया। इसके अनंतर दैत्यराज को फरसा उठाए आते देख करके देवी ने बाण समूह से प्रहार करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उस महाभयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार धराशायी होने पर शुंभ क्रोध से भर गया। माँ अंबिका को मारने के लिए सामने आ गया और वह रथ पर बैठा था। उसकी बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थी। उसने भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। उन भुजाओं से सारे आकाश को ढाप करके शोभित हो रहा था। उसे इस प्रकार आता देख करके देवी ने शंख बजाया और धनुष का अत्यंत दुस्सह टंकोर किया। समस्त दैत्यों का तेज नष्ट करने वाले अपने घंटे का शब्द करके उससे दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने बड़े बड़े हाथियों के महामत को दूर करने वाली बड़ी भारी गर्जना लगाई। उसके द्वारा आकाश पृथ्वी एवं दशों दिशाएं गूंज उठी। तब काली ने आकाश में उड़ करके पृथ्वी पर दोनों हाथों से ताड़ना की। उस शब्द से पहले तो सभी शब्द मंद पड़ गए। तब शिव दूती ने भयंकर अमंगल स्वरूप अत्यंत अट्टहास किया। उन शब्दों से दैत्य डर गए। शुंभ के क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर जबकि अंबिका ने कहा कि हे दुरात्मन ठहर ठहर, तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने आगे बढ़ करके आग बरसाती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि को पहाड़ की तरह आती हुई देख करके देवी ने अग्नि को भारी उल्का से उसे हटा दिया। शुंभ ने फिर सिंहनाद किया और उससे त्रिलोकी की गूंज उठी। हे राजन, उस सिंहनाद का इतना घोर शब्द था जैसे कि वज्रपात हो रहा है। उसने बाकी शब्दों को परास्त कर दिया। तब शुंभ द्वारा छोड़े हुए बाणों को देवी तथा देवी द्वारा चलाए हुए बाणों को शुंभ ने अपने अपने उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने कुपित होकर के शुंभ को सूल से मार गिराया। उसके लगते ही वह मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ चैतन्य होकर के फिर वहां पहुंच गया। हाथ में धनुष लेकर के बाणों से काली तथा सिंह पर प्रहार कर दिया। उस दानव राज ने अपनी 10,000 भुजाएं बना ली, फिर चक्रों का प्रहार करने लगा। चंडिका जी को आच्छादित कर दिया। तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से वे जो है सभी चक्र तथा सभी बाणों को काट गिराया। तब निशुंभ दैत्य सेना से आवृत्त होकर के चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा लेकर के बड़े वेग से भागा। वेग से आते हुए उसकी गदा को तीखी तलवार के द्वारा चंडिका ने काट दिया। फिर दैत्य ने शूल उठा लिया। शूल हाथ में लेकर के उस देव पीड़क निशुंभ को आता देख करके चंडिका ने अपना शूल वेग से चला करके उसकी छाती बीन दी। उसकी छाती के फटते ही उसकी छाती से एक और महाबली पुरुष निकला। वह खड़ी रहा इस प्रकार कहने लगा। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनते ही देवी आवाज करके हंसी और तलवार से उसका सिर काट दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयानक दाड़ों वाला सिंह दाड़ों से दैत्य के सिर खुरच खुरच करके खाने लगा। वैसे ही काल ने तथा शिव दूती ने बहुत से दैत्यों का भक्षण कर डाला। कितने एक दैत्य तो कुमारी शक्ति से नष्ट हो गए एवं कितने एक ब्रह्माणी के मंत्र पवित्र जल द्वारा तेजो हत होकर के भाग गए और कई एक महेश्वरी शक्ति से छिन्न भिन्न होकर के गिर गए। कितने एक वाराही शक्ति के तुंड प्रहार से चूर्ण चूर्ण होकर के पृथ्वी में समा गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र द्वारा कितने तो अचानक यमपुरी पहुंच गए। इस प्रकार कुछ एक तो असुर नष्ट हो गए, कुछ को जो है घोर संग्राम से भगा दिया गया एवं कितने एक दैत्य को काली तथा शिव दूती ने खा लिया और कई एक को तो सिंह ने अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार श्री दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय की कथा का समापन होता है। अब 10वें अध्याय की कथा यहाँ से प्रारंभ होती है। ऋषि बोले कि अपने प्राण प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु देख करके इस प्रकार सेना को भी मारता देख करके कुपित होकर के शुंभ कहने लगा कि अरे दुष्ट दुर्गे, तू बल के घमंड से गर्व मत कर। अरे अभिमानिनी, तू तो अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही है।
देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ, संसार भर में मेरे समान कोई भी नहीं है। देख देख, ये तो मेरी विभूतियाँ है, मुझ में ही प्रवेश कर रही है। इतना कहते ही ब्रह्माणी आदि सभी शक्तियाँ उनके शरीर में समा गई, अकेली अंबिका देवी रह गई। देवी बोली कि मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति संपन्न अनेकों विभूतियों के रूप में यहाँ पहले विद्यमान थी, अब सभी मैंने अपने अंदर समाहित कर लिए हैं। अब तो अकेली हूँ और युद्ध में तेरे सामने खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। ऋषि बोले, तब सभी देवता तथा दैत्यों को देखते देखते देवी और शुंभ इन दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की वर्षा तथा भयंकर अस्त्र शस्त्रों से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। अंबिका जितने भी दिव्य से दिव्य अस्त्र छोड़ती जाती, उतने ही दैत्येंद्र उन्हें निवारक अस्त्रों द्वारा तोड़ता जा रहा था। इसी प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल खेल में ओंकार आदि शब्दों द्वारा दैत्य से छोड़े गए दिव्य अस्त्रों को तोड़ती गई। उसके बाद असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी ने कुपित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैत्येंद्र ने हाथ में शक्ति उठा ली, अभी उसके हाथ में ही थी, देवी ने चक्र द्वारा वह शक्ति भी काट डाली। तब दैत्यराज ने तलवार तथा 100 चंद्रमा वाली चमचमाती ढाल लेकर के देवी पर भागते हुए उसकी तलवार तथा सूर्य जैसी चमचमाती ढाल अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों से तुरंत काट दिए। रथ के घोड़े सारथी को भी मार दिया, धनुष तो पहले ही कट चुका था। तब तो भयानक मुद्गर लेकर के अंबिका को मारने के लिए दैत्य उद्यत हो गया। देवी ने उसके मुद्गर को भी तीखे तीरों से काट दिया, फिर भी वह दैत्य मुक्का तान करके बड़े वेग से दौड़ा। आते ही उस दैत्येश्वर ने देवी के हृदय में मुक्का मार दिया, देवी ने भी उसकी छाती पर एक चपेट जमा दी। देवी की उस चपेट के लगते ही वह दैत्यराज मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा, सहसा उसी प्रकार उठ पड़ा, तब उछल करके देवी को आकाश में उठा करके स्थित हो गया। वहां भी निराधार होकर के चंडिका देवी उसके साथ युद्ध करने लगी और आकाश में उस समय दैत्य तथा चंडिका का आपस में घोर महाभयानक युद्ध प्रारंभ हो गया। वह युद्ध तो पहले पहल सिद्ध मुनियों को विस्मय कर रहा था, तब अंबिका ने उसके साथ में देर तक युद्ध करते करते दैत्य को उठा लिया, मार करके उसे पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटका हुआ वह पृथ्वी पर पाकर खड़ा हो गया। मुक्का तान करके वह दुष्ट माँ जगदम्बा देवी को मारने की इच्छा से बड़े वेग से दौड़ा। तब उस महाभयानक दैत्यराज को आता हुआ देख करके देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भोग दिया और पृथ्वी पर उसे गिरा दिया। देवी के शूल से क्षत विक्षत होकर पृथ्वी पर पड़ते ही उसके प्राण निकल गए। उसका गिरना भी समुद्र द्वीप एवं पर्वतों के साथ में सारी पृथ्वी को हिला देने वाला था, यानी सारी पृथ्वी उस दैत्य के गिरने पर कांपने लगी थी। वह दुर्मात्मा के मरते ही सारा जगत स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया, आकाश भी बहुत साफ दिखाई देने लगा। पहले तो उपद्रवी मेघ उठ रहे थे तथा उल्कपात हो रहे थे, वे सभी शांत हो गए। दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी अपने अपने मार्ग पर चलने लगी। उसकी मृत्यु होते ही सभी देवताओं का मन प्रसन्न हो गया, गंधर्व मनोहर गायन करने लगे, दूसरे गंधर्व बाजी बजाने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी, अप्सराएं नाचने लगी, वायु पवित्र होकर के चलने लगी, सूरज उज्जवल होकर के चमकने लगा, शांत एवं अग्नि शालाओं की अग्नियां जलने लगी, दिशाओं की भयंकर आवाजें शांत हो गई, प्रजा सुखी हो गई, सर्वत्र शांति का साम्राज्य हो गया। इस प्रकार यह कथा यहाँ पर समाप्त होती है। बोलिए जगदम्बे मात की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम दायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम।
बोलिए जगदम्बे मात की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने जो ज्ञानवर्धक कथा का श्रवण किया है, कथा सुनने के बाद आप दान स्वरूप धनराशि प्रदान करना चाहते हैं या अपने निमित्त पूजा पाठ अनुष्ठान करवाना चाहते हैं या फिर आप अपनी ओर से कन्या भोजन के निमित्त दान राशि प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से धनराशि आप हमें प्रदान करके नवरात्रि का महापुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।